तो हम बनाने वाले हैं आज ऑर्गेनिक तरीके से हमारी टॉप सॉइल केक। एक चीज हम सब लोगों ने नोटिस की है और हम सब लोगों की एक सेम चैलेंज है कि जब नर्सरी में पौधा रखा रहता है तो बढ़िया फ्रूटिंग भी दे रहा होता है, एक छोटा सा पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी दे रहा होता है, पर हम उसको घर लेके आते हैं और ऐसा यूजली लोग बार कंप्लेन करते हैं कि वो घर में उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, रोजेस का कलर चेंज हो गया है या वो मर गया है। सो इस गिल्ट में हम ना जाएं, इसलिए हम फोकस करेंगे कि हमारे जो सॉइल है उसमें बराबर तरीके से पूरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली, इफ यू आर गोइंग फॉर वेजिटेशन एंड फ्रूटिंग तो उसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर रहे रादर देन गोइंग ऑन अ केमिकल फर्टिलाइजर साइड। तो हम बनाने वाले हैं आज ऑर्गेनिक तरीके से हमारी टॉप सॉइल मिक्स। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको पेड़ उगाना बहुत ज़्यादा पसंद है पर कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, उनको ABC बहुत अच्छे से नहीं पता है, प्लांट्स हमेशा खरीद के ले आते हैं पर वो मर जाते हैं, कभी ज़्यादा पानी हो जाता है कभी कम पानी हो जाता है, तो ऐसे चैलेंजेस सबके साथ होते हैं। जितने भी ग्रीन हॉर्न्स होते हैं या हम कह सकते हैं जिनको खेती करना तो बहुत पसंद है पर नहीं हो पाती है, उनके लिए बेसिक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इन सीरीज का सबसे जो स्टार्टिंग है वो हम करने वाले हैं सॉइल से। फर्स्टली वी विल बी स्टार्टिंग आर टॉप सॉइल मिक्स विथ सरसों की खली विच इज़ ऑल्सो नोन एज मस्टर्ड केक एंड इट हैज़ इट्स ओन वेरी अमेजिंग बेनिफिट। यूजली इसको यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज अगर इसका एक्सेसिव यूज़ हो जाता है या गलत तरीके से यूज़ हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है, तो देर आर चांसेस कि जो प्लांट है वो क्रम्बल्ड हो जाता है और वो अपनी ग्रोथ नहीं ले पाता है। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि इसका जो यूजेज है या जो डोज है वो हम एक्सीड ना करें। इसके साथ एक और चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि मस्टर्ड केक में ऑयल एक्सट्रैक्ट हो चुका है तो दिस कैन नॉट बी रिप्लेस विद एनी ऑफ दी अदर मस्टर्ड थिंग्स विच वी थिंक कि हम इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप मस्टर्ड केक ही यूज़ करें, अदरवाइज हमारा जो वेजिटेशन है, हमारे जो प्लांट्स हैं वो सफ़र करेंगे। सरसों की खली हैज़ इट्स ओन अमेजिंग बेनिफिट्स, कम्प्लीटिंग द न्यूट्रिशन इसमें एनपीके है, सारे प्रॉपर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ब्लेंड है इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से। सेकेंडली इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी एक अच्छे पोर्शंस में हमको मिलता है। सरसों की खली हमको एक नेचुरल फंगिसाइड और नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करती है, तो अगर आपने प्रॉपर सही अमाउंट में अगर सरसों की खली डाली है अपने सॉइल में तो आपको कुछ भी उसके ऊपर केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली फॉर फंगिसाइड। फंगिसाइड या फंगस पेड़ों को नीचे से क्रम्बल करती है फ्रॉम द रूट्स, एंड ये यूजुअली जब होता है जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए और उस दिन सनलाइट ना हो पाए। तो ऑब्वियसली हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते बट हम अपनी सॉइल को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि हमें आगे की केमिकल यूसेज की ज़रूरत ना पड़े और हम नेचुरली अपना काम जितना कर पाएँ उतना कर सकें। लास्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग सरसों की खली इज कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट सल्फर इज़ इन अ वेरी गुड क्वान्टिटी एंड सल्फर हमारे बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हेल्प करता है। और जो स्टंटेड ग्रोथ होती है, हम बोलते हैं कि प्लांट थोड़ा ड्वार्फ टाइप का है, तो इसको स्टेम को एक प्रॉपर स्टैंड देने के लिए एंड हमारे जो लीव्स है उसको एक प्रॉपर कलर देने के लिए यूज़ होता है। हम इसको जो है इसका चूरा यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे ताकि सॉइल अपने हिसाब से इसको डिकम्पोज करे और यूज़ करे। ओके, सो सेकेंड हमारे पास नीम खली है। नीम खली इज़ बेसिकली यूज फॉर फिक्सेशन ऑफ सॉइल। सॉइल नीम खली और सरसों की खली मिलके हमारे जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन का फिक्सेशन में हेल्प करते हैं एंड इट हैज़ वेरी अमेजिंग एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी पैथोजन प्रॉपर्टीज जो हमारे रूट्स को ख़राब होने से बचाती है। सो थर्ड वी हैव बोन मील एंड एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम बता रहा है, ये बोन्स से बनता है विच हेल्प्स आर सॉइल टू कम्प्लीट इट्स प्रोटीन न्यूट्रिशन। सारे ही अमाइनो एसिड्स इसमें अवेलेबल होते हैं एंड जैसे कि पहले
अपने आप चीज़ें डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाती है, तो मिट्टी में इतना न्यूट्रिशन रहता था, पर आज के टाइम पे डिकम्पोजिशन टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये चीज़ डालना हमारे टेरिस गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो बोन मील अपने आप में एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है, हम इसको बहुत ही छोटी क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं। सो जैसे कि आपका अगर इतना बड़ा गमला है या 12 इंची गमला है, तो आप उसमें 3 से 4 चम्मच या 1 मुट्ठी बोन मील ही यूज़ करें, और उसको काफ़ी रिपीटेड वे में नहीं यूज़ करना है, हम इसको काफ़ी छोटी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। और हम एक हार्वेस्ट लेंगे या हम 6 मंथ की अपना जो टॉप सॉइल है उसको रिफ्यूल करने वाले हैं। तो जैसे कि हम अपने टेरिस के सारे उसके लिए बना रहे हैं, तो मैं इसमें 3 मुट्ठी ले रही हूँ। 4 टॉप सॉइल मिक्स में हमारा आता है परलाइट। यूजुअली ऐसा मिसकंसेप्शन है कि परलाइट एक केमिकल फर्टिलाइजर है, बट परलाइट कम्स फ्रॉम द वॉल्केनिक माइन, एंड एक प्रॉपर डिग्री या एक प्रॉपर टेम्परेचर में इसको जब रखा जाता है तो ये अपने 20 times एक्सपैंड हो जाता है। तो इट हेल्प्स हमारी सॉइल को और पोरस बनाने में, ये हमारी मदद करता है, और पानी ना रुके, पानी निकल जाए और प्रॉपर इरेशन बना रहे, एक ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहे, इसलिए हम परलाइट को यूज़ करते हैं। तो वन मोर वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब परलाइट को यूज़ कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आसपास हवा ना चले और आपके लंग्स में इसका जो स्मेल है वो ना जाए। तो आप अपनी नोज़ को कवर कर सकते हैं, अपने हैंड्स को कवर कर सकते हैं, और तभी इसका यूज़ करें। एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा वाटर को स्प्रे कर दें, ताकि इसकी जो डस्ट है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो आपके लंग्स तक ना पहुंच पाए, आप उसको इनहेल ना करें। तो ये जो परलाइट है, ये हमारी सॉइल में जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। हमारी सॉइल पीएच लेवल चेंज कर सकती है विद वेदर, या आप उसमें कुछ एक नेचुरल फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र कम ज़्यादा डाल देते हैं, बट जो परलाइट है वो मेंटेन करता है उस चीज़ को एंड हेल्प करता है सॉइल को बैलेंस रखने में। एंड लास्ट वी हैव सी वीड। सो समुद्र के किनारे या वाटर बॉडीज़ में कुछ ऐसे घास जिनका न्यूट्रिएंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए प्लांट्स के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम ऐड करते हैं। सीवीड हमारे जो लीव्स हैं उसको मदद करती है ज़्यादा ग्रीन रहने में, एंड जो प्लांट है उसकी ओवरऑल यील्ड को इंक्रीज करने में। तो इसी तरीके से हमने 5 चीज़ को ऐड कर लिया है, आगे देख सकते हैं। इन सबकी 5 की एक अपनी अपनी बेनिफिट्स हैं, 5 का अपना अपना बेनिफिट है। और जैसे कि हमने बात करी कि हम टॉप सॉइल मिक्स बना रहे हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा जो ड्राई वेस्ट है वो भी डालेंगे। ये ड्राई वेस्ट का एग्जांपल आप हमारे इसमें देख सकते हैं। आप इसको लोकल मार्केट्स में भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, हमने कुछ लिंक्स अवेलेबल की हैं इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इस टॉप सॉइल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट तरीका ये है कि आप हल्का सा इसमें गुड़ाई करके इसको मिक्स कर सकते हैं। सेकेंड तरीका ये है कि जब आप अपने न्यू प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, तो आप इसको 1/5 जो पार्ट है ऑफ टोटल सॉइल उसको यूज़ करेंगे, तो विदाउट एनी ओवरडोज और अंडर न्यूट्रिशन आपका जो पौधा है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। एंड इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कोई जानकारी न्यू समझ में आई है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं।